हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शहर की पोष राधा कॉलोनी से एक बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां रह रहे निर्माण निगम के एक्सीएन ने खुद को योगाचार्य बताते हुए बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की है। इस पर यहां के लोगों ने उसे पकड़कर बुरी तरह से पीटा। राधा आर्चिड में बीती रात इस बात को लेकर हंगामा हो गया। महापौर विनोद अग्रवाल के फ्लैट में रह रहे एक्सीएन को लोगों ने पकड़ लिया और पिटाई शुरू कर दी। आरोप है कि पार्क में खेल रही बालिकाओं को उसने अपने पास बुलाया, खुद को योगाचार्य बताकर लंबाई नापने के बहाने उनके साथ अश्लील हरकतें की। ये सब देख रही दूसरी बच्ची घबराकर घर पहुंची और अपने परिजनों को पूरी बात बताई। इस पर आरोपी को परिजनों ने पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही महिलाओं ने महापौर के आवास पर हंगामा किया और महापौर के विरोध में नारे लगाए। मथुरा से हमारे संवाददाता केशव आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। मेयर साहब, आप राधा ऑर्चिड कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ एक अभी आप बच्ची के साथ कोई छेड़छाड़ का या सीधा का मामला है, क्या घटना हुई है? मुझे हमारा एक्सीएन सिविल मोद नारायण झा, जिसका नाम है, जुलाई में यहाँ ट्रांसफ़र होकर आया। 15-20 दिन बाद उससे चर्चा के दौरान मुझे कहा कि मैं फैमिली को नहीं ला पाया हूँ सर, क्योंकि मुझे यहाँ मकान नहीं मिला है। मैंने यूजुअली ये कहा, मैंने कहा एक फ्लैट हमारा खाली पड़ा हुआ है, तुम उसको देख लो, अगर तुम्हें सूट करता है तो जब तक तुम्हें मकान नहीं मिलता है उसमें रह लो। आज शाम को मेरे पास फ़ोन आया कि तुमने कोई किराएदार रखा है क्या? मैंने कि मान लो किराएदार रखा है, वैसे किराएदार भी नहीं है, वैसे ही अधिकारी के नाते हमने उसको अलाउ कर दिया था। तो पुलिस ने बच्ची के साथ कुछ अश्लीलता की है, तो मैंने कि पुलिस बुलाओ और उसको अरेस्ट कराओ। बोले इसको अभी निकाल दो, तो मैंने कि चलो निकाल देंगे, आप कह रहे हो कल निकाल देंगे, तो बोले नहीं अभी निकालो। तो फिर वो दो लोग यहाँ आए थे, तो मैंने उनके सामने फ़ोन कर दिया। मैंने कि भाई, पहले तो मैंने कहा वो आपके कैप्चर में है, वो फ़ोन कैसे उठाएगा? नहीं, बोले उसके लड़के हैं, आप फ़ोन मिलाओ। तो मैंने उसको फ़ोन मिलाया, उसका फ़ोन उसके लड़के ने उठा लिया। तो मैंने कहा ये आपके पिताजी ने हरकत की है? बोले पता नहीं उसने क्या कहा, मुझे ध्यान भी नहीं है। तो मैंने कि अब इनका और मेरा कहना ये है कि मकान को आप खाली कर दो। बोले अंकल कल कर देंगे। मैंने कि कल नहीं, इनका कहना ये है कि अभी खाली कर दो, तो आप अभी मकान को खाली कर दो। बोले ठीक है, मैंने कल कर देते हैं हम। ये बात हुई, उसके बाद शायद पुलिस आई थी। अब ऐसी घटना अगर हुई है तो आक्रोश तो स्वाभाविक है कि अब वो आक्रोश किसी के भी खिलाफ, उनका कहना ये था कि यहाँ आपको आना चाहिए था घटना स्थल पर, क्योंकि हमारी कैबिनेट की मीटिंग है, फाइलों में भी मैं उस समय व्यस्त था। और मैंने ये कहा कि यहाँ के अध्यक्ष और महामंत्री से आप कहलवाइए पुलिस को, मेरा जो भी कॉपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी मैं कॉपरेट करूँगा आपको। अगर उसने गलत किया है, अपराध किया है कोई, तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी, उसमें हम आपके साथ हैं। लेकिन अब महिलाओं की जो भी मानसिक स्थिति या सोच रही हो, उनका अपना रिएक्शन है। लेकिन हमारा एक जिम्मेदार पद पर होने के नाते ऐसे हम केवल किसी की सूचना पर ये नहीं मान सकते कि उसने क्राइम किया है। वहाँ कैमरे वगैरह लगे होंगे आसपास, पुलिस तथ्यों को जुटाएगी, अगर उसने गलत किया है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जब मेयर साहब रहते हैं तो इस कॉलोनी की सुरक्षा पूरे शहर से ज़्यादा ही होनी चाहिए, लेकिन हम घटना ये हुई है कि जो उन्होंने यहाँ पे किराए पे एक फ्लैट में एक बंदे को रखा हुआ है, जो कहाँ का नगर पालिका का नगर अधिकारी रह चुका है, वो उन्होंने एक अश्लील हरकत की है। बच्चे गार्डन में खेल रहे थे, छोटी छोटी लड़कियाँ उनके साथ में, बताइए तो ये साथ में हरकत हो सकती है? और ये आज उनके साथ हुई है तो किसी के साथ हरकत हो? लड़कियां कहां तो पल्ला झाड़ दिया, और महापौर जी ने अपना पल्ला झाड़ दिया। वो बोल रहे हमें मतलब नहीं है, हम तो एक सामान्य नाम।
कोई नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी ने उनके साथ कोई गलत हरकत की, इस पर महिला जो राधा ऑर्चिड कॉलोनी की है उन्होंने रोष प्रकट किया कि नगर निगम के लोगों ने कोई हरकत की है। वो लोग रोड पर आ गए थे, उनको समझा बुझा कर कॉलोनी में वापस ले लिया गया और उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की। महिलाओं ने गेट लगा दिया था अंदर, इंस्पेक्टर साहब तो कोई बंद नहीं किया था, उन्होंने विरोध स्वरूप जो पूरा ही गेट बंद किया था उसी टाइम में अंदर। मथुरा के महापौर विनोद अग्रवाल जी अभी तक अंदर रहते हैं और जनता इतना आक्रोश में बात नगर निगम के अच्छे पद पे हैं, क्या कहेंगे इसको लेके? इसको मैं क्या कहूँगा, आप उनसे पूछे बेहतर। पुलिस को कितनी देर में जाम खुलवाया गया सर? अगर बात यहाँ मुश्किल से 5-7 हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।